पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को तो हमने पढ़ लिया था, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो लास्ट में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब इसी स्पर्म का हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक जो मैच्योर स्पर्म होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये क्या है, एक मैच्योर स्पर्म होता है, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म कैसा दिखाई देता है, तो इस प्रकार से संरचना में वो दिखाई देती है। ये क्या है, एक मैच्योर स्पर्म होती है ना, जो क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। और ये क्या होती है, एक लंबी रचना होती है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है उसको बोलते हैं हेड, है ना। ये स्पर्म का क्या है, हेड वाला पार्ट है। अब हेड के बाद जो ये वाला भाग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट। ये वाला हो गया हेड पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया मिडिल पार्ट। और जो ये है ना, नीचे से नीचे वाली संरचना, उसको बोलते हैं टेल। तो स्पर्म तीन भागों से मिलकर बनी होती है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। अब हम देखेंगे कि स्पर्म के अंदर में कौन कौन सी संरचना होती है। तो स्पर्म में सबसे पहले जो हेड पार्ट है हम उसका देखेंगे। तो जो स्पर्म का अग्र भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। इसके जो हेड का जो अगला सिरा है, मतलब ये वाला भाग, यहाँ पर एक्रोसोम नामक एक रचना पाई जाती है। इस प्रकार से एक संरचना होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, है ना। तो हेड के पास क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये क्या करता है, एक लाइसिन नामक एंजाइम सिक्रेट करता है। कौन सा एंजाइम, लाइसिन। ये क्या करता है, जो लाइसिन नामक जो एंजाइम सिक्रेट होता है, तो जब ये वाला भाग ओवा में प्रवेश करता है ना, तो जो ओवा का जो ऊपरी भाग होता है उसको भेदने में यही क्या करता है, मदद करता है ना। तो एक्रोसोम कौन सा एंजाइम सिक्रेट करते हैं, लाइसिन, और यही ओवा को भेदने में सहायता करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्रोसोम के नीचे में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो एक्रोसोम के नीचे में क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम आएंगे मिडिल पार्ट में। तो यह हेड के ठीक पीछे का भाग होता है, मतलब ये वाला भाग, उसके बाद जस्ट उसके नीचे, है ना। तो ये हेड का पीछे का भाग होता है जिसमें डिस्टल सेंट्रियोल, है ना, उपस्थित होते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पर होता है डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल के सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट नीचे, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे में क्या उपस्थित होता है, प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद मिडिल भाग में क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। यहीं से एक बेसल बॉडी निकलती है ना, मतलब एक फ्लैजिला के रूप में यहाँ से निकलता है ये, और उसके बाद यही आगे चलकर पूंछ का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये वाला जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो उसके बेसल बॉडी के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो ये वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये वाला जो भाग होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से एक फिलामेंट्स निकलती है जिसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स, है ना। ये मिडिल भाग में होता है। इसी एक्सियल फिलामेंट्स के चारों तरफ,
इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। तो इस फिलामेंट्स के चारों ओर इसी प्रकार से संरचना होती है ना। इन संरचना को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो एक्सिल फिलामेंट्स के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का एक आवरण पाया जाता है जो स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। हमारे भी शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, जो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो उसी प्रकार से स्पर्म को भी एनर्जी के लिए, क्योंकि स्पर्म को चल के ओवा तक जाना रहता है तो इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। तो ये हो गया मिडिल पार्ट। अब हम आएंगे टेल वाले पार्ट में। तो ये क्या है, स्पर्म का सबसे पिछला भाग होता है। ये लॉन्ग है ना और थीन, पतले होते हैं। पूंछ क्या करता है ना, स्पर्म को चलने में मदद करता है। मतलब यह स्पर्म का क्या है, प्रचलन अंग होता है या प्रचलन में सहायता करती है। टेल के मध्य में एक्सिल फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। जो ये एक्सिल फिलामेंट्स है वो पूरा टेल में क्या होता है, अंतिम तक उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये क्या था, स्पर्म का संरचना था, है ना। और जो ये ऊपरी भाग होता है ये क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली पाई जाती है इसके चारों तरफ में, है ना। और यही एक्रोसोम के द्वारा ही जो मतलब स्पर्म होते हैं वो ओवा में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद ये टेल को क्या कर देते हैं, वो बाहर में ही छोड़ देते हैं।